गाइज मैंने आपको इसके पहले वीडियो में इसको पढ़ के दिखाया था। मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बता देता हूँ। तो वहाँ से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। वर्किंग विथ पोएम, डिस्कस दिस क्वेश्चन इन स्मॉल ग्रोन ग्रुप्स बिफोर यू आंसर देम। व्हेन इज अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस? डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल। व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग व्हाइल ईटिंग। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि तुम ये कब कहना चाहते हो कि डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, मतलब अपने तब मुंह भरा रहे तब कब बोलना नहीं चाहिए। तो जो चाइल्ड रहता है वो खाना खाते समय बोलने लग जाए तब हम ये बोलना चाहिए। व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस से थैंक यू। तुम्हें ये कब पसंद है बोलना थैंक यू। व्हेन समवन गिव यू समथिंग और हेल्प यू एंड गिव यू डोंट से थैंक यू। जब कोई तुम्हें मदद करता है या तुम्हें कुछ चीज़ देता है और तुमने थैंक यू नहीं बोला तब हमें बोलना चाहिए कि थैंक यू बोलो। व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट यू से दिस? नो वन थिंक्स यू आर फनी। व्हेन यू स्टार्ट बिहेविंग इन ऑकवर्ड वे। अब नेक्स्ट है, द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोबियंस और इंस्ट्रक्शन। वॉट इज द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू? जो एडल्ट है वो चाइल्ड को क्या बोल रहा है कि क्या करो? तो हम इसमें पढ़ते हैं, द एडल्ट इन नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू यूज हिज और हर माइंड एंड वर्क प्रॉपरली। येस आई थिंक सो। इट इज नॉट रीजनेबल टू गिव सो मैनी इंस्ट्रक्शंस टू द चाइल्ड। द चाइल्ड बी गिवन सम फ्रीडम। थर्ड क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक ग्रोन अप्स से थिंग्स द काइंड ऑफ थिंग्स मैंशनड इन द पोएम? इट इज़ इम्पॉर्टेंट डेट दे टीच चिल्ड्रन गुड सम मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। येस ग्रोन अप्स ऑलवेज से द काइंड ऑफ थिंग्स मैंशनड इन द पोएम। येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। ये लास्ट क्वेश्चन, इफ़ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स टू फॉलो What would you say? Make a list of 5 such as rules, arrange them lines in a poem. If we have some rules for grown ups to as follows. Don't give so many instructions to the children. Give some freedom to the children. Don't seek help from them every moment. Never tell children to study all the time. Allow them to spend some more time on entertainment. इसके बाद मैं आपको द शेड वाली पोएम पढ़ के दिखाऊंगा और इसके वर्ड मीनिंग बताऊंगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।